आज आपको मेरा मुंह थोड़ा अजीब लगने वाला है क्योंकि मैं मतलब रियल फेस लेके आई हूँ। रियल फेस इन द सेंस कोई फिल्टर नहीं है, क्योंकि मैं बहुत बुरी तरीके से गिरी थी तो जिसकी वजह से सूजन बची हुई है अभी। यहाँ सूजन थी, यहाँ थी, और मैंने सोचा कि अगर आप लोगों से रियल बात करनी है, रियल फैक्ट वाली बात करनी है, तो उसी दिन करनी चाहिए जिस दिन ये चोट मैंने खाई है। अनफॉर्चुनेटली कल मैं बिल्कुल हालत में नहीं थी कि आप लोगों से डायरेक्ट ये बात कर सकूँ, लेकिन आज मैंने हिम्मत करके सोचा आप लोगों से शेयर करूँ मैं। और ये मुझे ऐसे फेस में रहना, ऐसे फेस में रह के वीडियो शूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं एक ट्रू फैक्ट आप लोगों से शेयर कर सकूँ। हुआ बस ये था कि मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी, सामने जो जिस पे बैठ के नहाते हैं फट्टी, उस पे मेरा जाके फेस लगा, और बाहर ही इतनी चोट नहीं है जितना अंदर से है। मतलब मैं मेरे हाथ के ऊपर गिर गई थी एंड मेरे अंदर बहुत वेट है, ठीक है, और अगर इतना भारी भरकम शरीर एक हाथ पे गिरता है तो ऑब्वियसली हाथ की जान निकल जाती है। सेम मेरे साथ ये हुआ है, मेरे पूरे हाथ की बैंड बजी हुई है। और यहाँ पे अब कॉन्फ्लिक्ट आता है मेरे टाइटल का, कि मैंने ये टाइटल क्यों रखा और इस मेरे टाइटल का मेरी बात में कहाँ यूज़ था। तो ये था कि ठीक है, अभी घर पे आई, नीचे आई, मतलब रोते रोते कि ऐसा ऐसा हो गया। अब कॉन्फ्लिक्ट छिड़ा ये कि घर वाले ने बोला कि ठीक है पेन किलर ले लो, जाके दिखाया हो डॉक्टर के, एक्सरे वेक्सरे करवाओ, ये वो ये वो। मन में मेरी एक ही चीज़ चल रही है, होम्योपैथी ट्राई करनी है। लगी मेरे है, लाइक अगर मैं अब मुझे लगी है, मुझे इतना भयंकर दर्द है, अगर फिर आराम नहीं आया तो मतलब मेरे को स्टडी कंटिन्यू करने के लिए ना एक्सपेरिमेंट भी चाहिए और प्रूफ भी चाहिए, और अगर वो प्रूफ मेरे पे है तो दी बेस्ट है। मतलब मैं क्यों किसी और के नहरे निकालूँ कि प्लीज़ मुझे मतलब ये मेडिसिन लेके दिखाओ, मैं खुद ट्राई करूँगी ना। अब यहाँ पे था कि मैं लाडली हूँ मेरे घर में, आई सीरियसली मेरे को बहुत, मुझे बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, लेकिन यहाँ पे अपने आप के लिए फ़ाइट करना, लाइक लड़ना कि मुझे होम्योपैथी ही लेनी है अब चाहे कुछ भी हो जाए। तो मुझे स्टिल उन्होंने मेडिसिन दिलाई और ये बोला कि तुम ज़िद्दी तो वैसे भी हो लेकिन इसको रखो, कि उससे नहीं आराम आया तो ये कैसे ठीक होगी। और इसमें इसमें ट्विस्ट क्या था, ट्विस्ट ये था कि मुझे कल जाना है, हाँ मतलब कल जाना है मुझे गोरखपुर वापस, और अभी मैं घर पे हूँ। और मतलब अभी कन्फ्लिक्ट ये है मेरे दिमाग में कि मैं होम्योपैथी ले रही हूँ, आराम भी आ रहा है मुझे, कई हद तक आराम है मेरी बॉडी में, और वो मेरे घर वालों को भी नोटिस हो गया, तभी उन्होंने मुझे कहा कि चलो ठीक है तुम कंटिन्यू कर लो। बात ये है कि उनको ये बिलीव दिलाना है कि अगर मुझे कल गोरखपुर जाना है तो मैं एक दिन या दो दिन के गैप के अंदर कितना बेटर रिलीव करके अपना मतलब काम डाउन कर सकती हूँ कंप्लीट। तो मुझे भी एक्चुअली मेरा भी ट्रायल चल रहा है, बिकॉज़ आप होम्योपैथी की तारीफ़ कर रहे हो, आप होम्योपैथी को जानने लगे हो, लेकिन होम्योपैथी आपको भी तो प्रूफ देना चाहिए ना, मतलब वो दे रही है। तो मुझे एक बार और खुशी हुई, फर्स्ट केस जो ब्राइनिया वाला था, और भी केसेस थे, लेकिन आज मुझे और इस बात की खुशी हो रही है कि जो लड़ाई मैंने छेड़ी थी मेरे और मेरी फैमिली के बीच में कि आई वॉन्ट टू टेक होम्योपैथी और मुझे होम्योपैथी से ही ठीक होना है, उसमें मैं जीत रही हूँ, कि मुझे मुझे सच में बेटर फील हो रहा है। और ये वीडियो मैं जिस हाथ पे मेरे लगी है मैं उसी हाथ से कैमरा पकड़ रही हूँ ये देखने के लिए कि मेरे हाथ में कितना आराम है। और मैं लास्ट में कुछ पिक्चर शेयर कर दूँगी जो मैंने कल खींची थी। और मैनेजमेंट जो हम कह सकते हैं वो ये था कि पहले खून साफ़ करना होता है ना, तो हम लोगों के होम्योपैथी में कैलेंड्यूला आता है। कैलेंड्यूला इज़ मतलब आप मदर टिंचर वैसे जनरली यूज़ हो, हैनिमन सर के अकॉर्डिंग मदर टिंचर आप यूज़ ना ही करो तो दी बेस्ट है, क्योंकि मदर टिंचर्स आप जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे, उसकी बहुत लंबी स्टोरी है मदर टिंचर का, तो एक अलग पूरी वीडियो बन सकती है कंप्लीट। तो मदर टिंचर नहीं यूज़ करते हैं जनरली, लेकिन अगर आप उसको एज अ क्लींजर यूज़ कर रहे हो, एज अ ब्लड साफ़ करने के लिए, घाव साफ़ करने के लिए यूज़ कर रहे हो, तो कैलेंडुला यूज़ करते होते हैं। कैलेंडुला यूज़ करने का एक तरीका है जो मैं इसमें फटाफट बता दे रही हूँ, क्योंकि अगर मेरी वीडियो पढ़ के कोई कैलेंडुला यूज़ कर रहा है तो उसको तरीका आना चाहिए। कैलेंडुला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे वो जलेगा, कैलेंडुला डायरेक्ट अप्लाई नहीं की जाती है, थोड़े से पानी में एक दो ड्रॉप डाल के फिर कॉटन लेके आप उसे साफ़ कर सकते हैं। कैलेंडुला डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। कैलेंडुला और डिटॉल एक्ट सेम, बट फ़र्क क्या है, कैलेंडुला निशान नहीं रहने देता। और मैं यहाँ पे वो नहीं आपको क्रिएट कर रही हूँ कि आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ कि वाई आई प्रेफर होम्योपैथी मोर देन एनीथिंग एल्स। तो मैंने अभी इसको दो तीन बार कैलेंडुला को लगाया है, और जो खाने के लिए दवाई दी है वो है आर्निका, दैट इज़ फॉर कंसील्ड इंजरी। कंसील्ड इंजरी इज़ लाइक किसी ने मारा हो आपको, मारने के बाद क्या होता है आपको जख्म नहीं दिखते लेकिन अंदरूनी दर्द बैठ जाता है, राइट,
मांसपेशियों में, और जैसे किसी ने पीटा हो बुरी तरीके से, वैसा दर्द जब होता है तब आप आर्निका सजेस्ट करते हो। यहाँ पे बाउंडेशन मत कर देना, फिक्स मत हो जाना, लेकिन जनरली जो मैंने मैंने प्रैक्टिशनर से, जो जिनसे मैं लेती आ रही हूँ मेडिसिन, उनसे सजेस्ट करवा के मेडिसिन लिया। इट्स अ रिक्वेस्ट, कहीं से सुन के या कहीं से पढ़ के प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना कि कुछ भी ले ली उठा के, बिकॉज हर एक सिम्टम, हर एक अपनी अपनी दवा चुनता है। तो उसके बाद अब मैं आर्निका खा रही हूँ, मैं कल से आर्निका खा रही हूँ। रात को बहुत दर्द था, आई स्वेयर बहुत ज़्यादा दर्द था, लेकिन अब सुबह तक आराम है, इतना आराम है कि मैं इस हाथ से एटलीस्ट मेरा फ़ोन इतनी देर तक पकड़ के रख सकती हूँ। और अभी बस मैं पैकिंग वैकिंग करूँगी धीरे धीरे, और एंड आई होप कि मैं कल तक और बेटर हो जाऊँ। आई नो मुझे लगेज उठाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये लड़ाई मैं जीत के जाऊँगी कि मैंने होम्योपैथी से अपने आप को ठीक किया है, वो भी जब जब मेरे हाथ का ऑलमोस्ट इधर का मांस जो था बहुत ब्रूटल पेन था ना, बहुत ज़्यादा दर्द था। मतलब पहली बार मैंने ऐसा दर्द एक्सपीरियंस किया बड़े होने के बाद, क्योंकि छोटे वाले दर्द याद नहीं रहते ना, तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये। हाँ दर्द हुआ, मैंने चोट खाई, उस टाइम तो तारे गिरने लग गए थे, मतलब तारे दिख रहे थे मुझे ऐसे जब मैं गिर गई थी, और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे जब सूजन आई थी ना, जब दांत लगा था तो फील होता है कि हाँ यहाँ पे सूज गया, बट फेस पे भी लगी थी, पैर पे भी लगी थी। अंदर का दर्द तो रात को जाके रियलाइज़ हुआ कि अंदर से भी इतना दर्द है मेरे। तो द थिंग इज़ दैट कि ठीक है, वो हो गया सो हो गया, बट पॉइंट इज़ दैट कि वहाँ पे मुझे मौका मिला कि मैं अपने आप को और पूरी फैमिली के सामने रिप्रेजेंट कर सकूँ कि अगर मैं पढ़ रही हूँ इस सब्जेक्ट को, और अगर मैं इस पर बिलीव करती हूँ, और अगर मुझे ही ये सब्जेक्ट वो दे रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पता नहीं क्या ये विक्ट्री हासिल कर ली हो। तो इट्स जस्ट अ एग्जाम्पल कि अगर प्रूफ मांगोगे तो प्रूफ होम्योपैथी देती है, बट आपको उस पर ना ऐसा ही विश्वास करना पड़ेगा, लाइक अंधविश्वास टाइप, ठीक है, अंधाधुंध होकर विश्वास करना पड़ेगा। सही स्टडी होगी, सही नॉलेज होगी, सही मेडिसिन होगी, सही पोटेंसी होगी, तो आपको रिजल्ट मिलने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। बाय।